कुंडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की, वहीं एक आरोपी मौके से भागने में सफल रहा। मुखबिर की सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कुंडा पुलिस ने तीन अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी टैंक से शराब चोरी कर रहे थे। वहीं इस कार्रवाई के दौरान एक आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने मौके से 6 गैलन बरामद किए हैं, जिनमें 275 लीटर अवैध शराब पाई गई है। साथ ही 13,700 रुपए नगद, मोबाइल फोन, टैंकर से शराब निकालने के उपकरण भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। कल ये एक घटना हुई है जिसमें ये कुंडा थाना में ये रात्रि अधिकारी के द्वारा जब चेकिंग की जा रही थी, तो चेकिंग के दौरान एक पेट्रोल पंप पे एक जो IGL कंपनी से निकला हुआ एक टैंकर है जो कि नेचुरल अल्कोहल को सप्लाई करता है हरिद्वार में, उस टैंकर में से कुछ लोग अवैध रूप से जो अल्कोहल है उसको उसका बोल्ट खोल के उसको निकाल रहे थे और अलग गैलन में भर रहे थे। तो ये जब रात्रि अधिकारी ने देखा तो तत्काल ये मौके पर पहुँचे और इन्होंने जैसे ही उनको पकड़ने की वो करी तो उसके बाद उनमें से एक व्यक्ति फरार हो गया जो जिसका नाम बंटी है। बाकी उसमें से 3 व्यक्ति जो स्वयं उस टैंकर का एक ड्राइवर है, दूसरा उसमें एक जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर काम करने वाला सेल्समैन है, और तीसरा इनमें जो मुख्य रूप से ये अपराध को कारित करते हैं वह व्यक्ति है जो कि हिमराज है। इन तीनों के द्वारा ये कार्य किया जा रहा था। लगभग 25,000 लीटर की कैपेसिटी वाले अल्कोहल से अल्कोहल को कैरी करने वाले टैंकर से इन लोगों ने ये लगभग एक प्रकार से चोरी का कार्य किया है, और ये 6 अलग अलग गैलन में लगभग 500 लीटर इन्होंने एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल जो है उसको इन्होंने ट्रांसफ़र करके और फिर इसको अलग से इनके बेचने की योजना थी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।